This call is now being recorded. चलो एक सेकंड बेटा, QR आ गया इसका. बैक जस्ट टू गिव मी अ सेकंड. क्या हो गया यार ये? शेयर हो जा भाई, बन जा पेड़. ओके चलो, इसको होने दो प्रोसेस. चल आई थिंक स्क्रीन विजिबल है ना सबको बेटा मेरी? क्या चेहरा और क्या स्क्रीन का रंग सेम लग रहा है? यस सर. यस सर. चलो ठीक है ठीक है. देन अभी तक हमने थोड़ा बहुत देखा था बेटा कि एक साइकिल क्या होती है, हाफ वे, फुल वे. एवरेज वैल्यू हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में सीएन कलर से. एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू किया था, पीक वैल्यू किया था, एवरेज किया था बेटा, पीक किया था सर, पीक किया था जिसमें एन बी ए ओमेगा आया था. यस सर, बाय आर. चलो ठीक है, पीक वैल्यू जब हम लोगों ने निकाल लिया तो एक बार एवरेज वैल्यू भी निकाल ले. कैसे निकलता है? क्या हम बेटा, अगर आपको याद हो तो इसी वेव के लिए सब कुछ बात कर रहे हैं, साइनोसोइडल वेव के लिए. यस सर. हाँ सर, साइनोसोइडल वेव के बारे में तो आप बता रहे थे, राइट? नाउ व्हाई वी नीड एवरेज वैल्यू, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज, सर जब हमारे पास सारी वैल्यू है तो व्हाई वी नीड एवरेज वैल्यू, क्यों हमें? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा. सर इससे पहले आपने पीक वैल्यू कराई है क्या? हाँ पीक वैल्यू कराई है बेटा मैंने. ठीक है सर. अब मैं एवरेज वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहा हूँ, बट उससे पहले एज ए इंजीनियर व्हाई यू नीड एवरेज वैल्यू, ये मेरा पहला सवाल है आपसे, ठीक है? और इसमें केस बनते हैं, जैसे मैं केस वन बताऊं, दो केस ही बनते हैं बेटा. फर्स्ट केस विल बी फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल एंड फॉर हाफ साइकिल. तो पहले मैं कंप्लीट साइकिल पे डिस्कशन कराना चाहूंगा. क्या लगता है आपको क्यों हमें एवरेज वैल्यू की जरूरत पड़ती होगी? कुछ आइडिया बेटा किसी को? पीक वैल्यू से काम नहीं बनता होगा. वेरी गुड. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में 230 वोल्ट कांस्टेंट आता है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में 230 वोल्ट कांस्टेंट आता है, कि वेदर द करेंट इन योर होम इज 230 वोल्ट कांस्टेंट, या फिर आप बोलोगे सर 229.3, 229.4, 230.1, 230.06, ऐसे आता होगा या ऐसे आता होगा? क्या लगता है आपको, विच वन यू थिंक इज बेस्ट? सर वेरी करता होगा. वेरी करता है. इट वेरीज. सो यू नीड अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट की यार कोई बात नहीं, जो 230 वोल्ट आप बोलते हो ना बेटा, दैट इज एक्चुअली द एवरेज वैल्यू, दैट इज एक्चुअली द एवरेज वैल्यू, ना कि कंप्लीट वैल्यू या पीक वैल्यू. पीक वैल्यू क्या होगी? पीक वैल्यू आपकी हो सकती है 230.006 वोल्ट, ये माइट बी योर पीक वैल्यू, ठीक है? ये आपकी पीक वैल्यू हो सकती है. अच्छा एक और चीज अगर आप देखो, एक और चीज अगर आप देखो तो डू दिस थिंग एज अ रेंज. एक रेंज दिख रही है क्या आपको? रेंज. अच्छा रेंज को लिखते कैसे है? मैं लिखूंगा 223 से 230 वोल्ट. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा रेंज को, ये रेंज है बेटा. सर रेंज क्या है बेटा? लोएस्ट और सबसे हाई. इसको मैं लोअर पीक वैल्यू भी बोल सकता हूँ, छोटी वैल्यू है, दिस आई कैन कॉल लोअर पीक वैल्यू, बोल सकता हूँ क्या? सोचो. और इसको क्या बोलेंगे हम? पीक वैल्यू. एवरेज इनके बीच में लाई करेगा कि इनसे बाहर लाई करेगा बेटा? बीच में, बीच में लाई करेगा. चलो एवरेज निकालते कैसे, मैं आपको एक इक्वेशन लिखना चाहूंगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ये इक्वेशन दिख रही है सबको? Yes, दिख रही है बेटा. ये कैसे है, हमने इस पे भी बात कर लिया? Yes, sir. अब देखो बेटा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ये हमारे पास एक इक्वेशन. मेरा पहला सवाल, इज इट ट्रू एवरीवेयर? इज इट ट्रू
एवरीवेयर क्या हर जगह सही है? क्या बात कर रहे हो सर, इसका मतलब क्या? ये नहीं समझ में आया सर, एक बार आप इसका थोड़ा मतलब बताते तो हम समझाते। कोई नहीं बेटा, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि मैं करंट का रिकॉर्ड चेक कर रहा था कि करंट कैसे आ जा रहा है, तो मैंने देखा करंट का रिकॉर्ड कुछ ऐसा है बेटा, दिख रहा है आपको, इस तरह करंट का वेव बन रहा था जब मैंने चेक किया। किसके साथ चेक किया सर? बेटा मैंने करंट और टाइम के साथ चेक किया ना, तो कभी मेरे घर में इतना करंट आ रहा था अभी आपने देखा झटके से? एम्पलीट्यूड कहते हैं ना, इसी को एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं बेटा। एम्पलीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू। ये मेरे पास करंट जो थी मेरे घर में आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, और थोड़े टाइम बाद रुक गई बेटा। तो अब मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि ये करंट आपको कैसा लग रहा है, वेदर दिस करंट इज वेरिएबल और अ कांस्टेंट, यू टेल मी। वेरिएबल इज अ वेरिएबल और कांस्टेंट। तो काफी जनता ने ये बोला कि सर समय के साथ ना ये करंट जो है बदलता जा रहा है, समय के साथ ये करंट जो है बदलता जा रहा है, समय के साथ ये करंट जो है बदलता जा रहा है। अगर आप इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हो, अगेन आई एम सेइंग वन वर्ड, अगर आप इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहे हो तो बेटा एक कंप्लीट साइकिल कितना बनेगी? क्या इसको हम बोलेंगे कंप्लीट साइकिल? कैन वी कॉल दिस अ कंप्लीट साइकिल? हाँ सर बोल लो, क्या दिक्कत है? उसको मैं कंप्लीट साइकिल जी बेटा, दो पीक वैल्यू, एक अपर लोअर पीक वैल्यू, एक हायर पीक वैल्यू। ये दोनों जो ट्रांजिशन होगा ये कहां से कहां तक हो रहा है बेटा? ये मैं बोल दूं जीरो से टी हो रहा है, कैपिटल टी हो रहा है। अच्छा इसके लिए कहां से कहां तक होगा? दूसरे कलर से मैं बना देता हूं, इसके लिए यहां से यहां तक होगा बेटा। इसको हम क्या नाम देंगे जीरो से, जल्दी बताओ, T2 या 2T? अच्छा अब इसको क्या बोलोगे आप जीरो से? डिस्टेंस नहीं है क्या? टाइम बेटा, टाइम सेम है, मैं ये मान रहा हूँ इक्वल टाइम हो रहा है, टाइम इंटरवल सेम है सबके बीच में। नहीं कोई नहीं, आप जीरो से टी समझ गए बेटा कैसे आया। यस अब जब भी क्या बेटा सर, दोबारा बता दो ये वाला। दोबारा बता देता हूँ, सुनो बेटा, जब भी हम ये देखते हैं कि ये साइकिल कंप्लीट कर रहा है, दिस इज कंप्लीटिंग वन साइकिल, दिख रहा है आपको, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो साइकिल कंप्लीट करने में मिनिमम टाइम था जीरो, मैक्सिमम टाइम कितना ले रहा है? टी ले रहा है। सिमिलरली ये अब दो साइकिल कंप्लीट कर रहा है बेटा, एक साइकिल यहां तक कंप्लीट हो गया टी, अगेन एक साइकिल ये टी टाइम में कंप्लीट कर रहा है, तो अब कितना हो गया टी प्लस टी, यानी कि टोटल कितना हो गया बेटा अगर मैं ओरिजिन से नापू तो? ठीक है अब क्लियर है बेटा आपको? Yes, चलो अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो वेरिएबल है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, किसको बुलाया जाता है, जल्दी फोन लगाओ, किसको फोन लगाएंगे? इंटीग्रेशन। अच्छा इसको फोन लगाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा कोई इंटीग्रेशन आ जाए साइन, आई थिंक आपने किया होगा बट कोई नहीं, ए बी ऐसे लिख देता हूं, साइन क्या लिख दूं, ए एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको क्या बताया गया बेटा? माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। अच्छा इसकी लिमिट क्या बन जाएगी बेटा, लोअर लिमिट? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस कॉस ए बी, सॉरी सी यू लिख दिया, चलो माइनस कॉस ए बी और माइनस कॉस माइनस कॉस अपॉन में, लिख सकता हूँ बेटा इसको ऐसे, ये प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, इसको हम लिखते हैं ऐसे। इसमें किसी को डाउट तो बताओ, इसमें किसी को डाउट बेटा? नो सर। चलो आई थिंक ये याद रखना, अभी हम लोगों को काम आने वाला है। सुनो अब अगर मुझे एवरेज करंट चाहिए, एवरेज किसके बीच में चाहिए यार, मुझे ना ओरिजिन से लेके एक साइकिल के लिए बता दो आप, ठीक है, दूसरे साइकिल के लिए आप कैलकुलेट करके मुझे बताओगे साइन ओमेगा टी डी टी। अब सुनो इसको कोई ऐसा है जो इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा? अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, आई नॉट को बाहर ले ले, हाँ ले लो बेटा, क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेट? वेरी गुड साइन, क्या ये ऊपर वाले फॉर्म जैसा लग रहा है बेटा जो मैंने अभी बताया था? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है, द लिमिट इज जीरो टू टी। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आप बताओ? आई नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है, इस टी की जगह ज्यादा बेटर होता मैं कैपिटल टी, जीरो आएगा, जीरो आ रहा है,
चलो बेटा कोई नहीं, चेक करते हैं। प्लस, अच्छा प्लस क्यों आया? और माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चलो ठीक है। अच्छा कॉस जीरो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? पक्का? यस सर। अच्छा इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ आएगा ना, क्या आएगा? टी माइनस जीरो। ये टी माइनस जीरो कहाँ से आया बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे ओमेगा टी है तो नीचे और क्या आएगा? टी आएगा। ये टी कहाँ से आया बेटा, कोई बता सकता है? सर टी क्यों आएगा? टी क्यों आएगा? टी क्यों आएगा? सुनो अब बताता हूँ ये टी का राज। अगर हम इसको ऐसे फाइंड करेंगे, दिस इज अ रॉन्ग मेथड, दिस इज अ रॉन्ग मेथड, हैं? तो कराए काहे ले कराए? रॉन्ग मेथड। बेटा अगर मैं आपको बताऊं, आपने लिमिट तो लगा दी, बट एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। सर आपको देख के कैसा लगा? दिखाइए ऐसा लगा। सुनो बेटा देखो, अब बताता हूँ इसको सही कैसे किया जाए। कुछ मत करो, कुछ नहीं करना। डायरेक्ट कंप्लीट साइकिल देखकर ही एवरेज करंट निकाल सकते हैं ना? बस उस टेक्निक से भी आप जा सकते हो, या फिर मैं बोलूं तो नीचे ऐसे टी लिखते चलो, दैट्स इट। ये तो कर ही सकते हो ना? मैंने तो वही वाली यूज करी है ग्राफ से। कोई नहीं बेटा, इसकी लिमिट भी हो गई 0 टू टी। अब इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? आई एवरेज। क्या इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी? आई नॉट माइनस आई नॉट कितना आ जाएगा? ये कॉस जीरो जनता बिल्कुल सो चुकी है, यही आएगा? नहीं सर, ये कहां से ला दिया सर आपने? किसी के मन में ऐसा सवाल बेटा, थोड़ा सा भी किसी के मन में ऐसा सवाल छोटा सा भी, जल्दी बताओ ये कैसे हुआ? नहीं यस नो कुछ तो बोलो यार, इसको कैसे मैंने सॉल्व किया? क्लियर है? Yes, अच्छा ठीक है। अब मैं बोलूं ओमेगा की वैल्यू मैंने कहीं पढ़ ली थी ऐसे गलती से 11वीं क्लास में, तुम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, सिर्फ मैंने पढ़ी थी क्योंकि मैं एग्जाम देने गया था, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी। अब इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बेटा यहाँ पुट करूंगा तो 2 पाई बाई टी? I not minus I not cos 2 pi by t t by omega नहीं 2 pi by t into t लिख दूं यहाँ पे, capital T है, t से t खत्म, टाटा बाय बाय, नीचे omega into 2 pi by t और साथ में इसके एक और t था, ये t से t कैंसिल, omega हट जाएगा ना, omega की जगह हाँ omega, हाँ हटा दिया बेटा। तो आंसर कितना आएगा? I not minus I not cos 2 पाई अपॉन में 2 पाई। हाँ सर, इसका आंसर क्या आएगा बेटा अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं तो? I not common है। हाँ कितना आएगा? cos 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस 1 1 होती है सर बाबू, 1 ठीक है 1 होती है। देखो इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा I not माइनस I not अपॉन 2 पाई, और आई नॉट माइनस आई नॉट कितना होता है? 0 तो एवरेज करंट कितना आएगा इस केस में? 0 क्या हर केस में 0 आएगा कि जब भी ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होगी तभी 0 आएगा? क्या हर केस में 0 आएगा जब ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होगी तभी 0 आएगा? कंप्लीट साइकिल के लिए तो 0 ही आएगा ना? पक्का? सुनो जब भी आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जब भी आपसे पूछा जाए, इतना जल्दी कौन कौन ज्वाइन कर रहा है आज, क्या बात है, बहुत जल्दी जल्दी सब ज्वाइन हो रहे हैं। देखो बेटा देखो, अगर आपसे पूछा जाए आई एवरेज कब, जब ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी है, तो आंसर क्या आएगा?
जीरो जीरो जब आपसे पूछा जाए आई एवरेज जनरल केस में तो वैल्यू कितनी आएगी? वेरी आई नॉट माइनस गुड, आई नॉट कॉस आई नॉट, आई नॉट ओमेगा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन टी ओमेगा टी। याद रहेगा ये, याद रहेगा बेटा, प्लीज डू रिमेम्बर दिस बॉक्स, ठीक है। अब इसी का एप्लीकेशन मैं एक और बताता हूं आपको। हमने यहाँ पे किया क्या, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझे तो इसका टॉपिक मैं अभी नहीं लिखूंगा, लास्ट में लिखूंगा इसका टॉपिक क्या है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सपोज कर लेते हैं अब इस तरह ग्राफ नहीं है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल बेटा, अब ग्राफ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये आधा ग्राफ है। चलो इसके लिए बताना है बेटा, फॉर दिस हाफ लाइफ कितना होगा एवरेज करंट सर इसके लिए? हाँ जी बेटा, इसके लिए सर टू आई नॉट टू आई नॉट ट्राई करें बेटा निकालने का। इसी को हम बोल देते हैं हाफ लाइफ, वी कॉल दिस एज हाफ लाइफ, या हाफ लाइफ ना बोल के, हाफ लाइफ बोलूंगा तो आप लोग सोचोगे आधी जिंदगी है इसकी, हाफ साइकिल बोल देते हैं क्या? ये बेटर है, ये थोड़ा अच्छा है। हाफ लाइफ मतलब क्या सर? ठीक है, हाफ साइकिल। अब हाफ साइकिल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो आई की वैल्यू तो इतनी रहेगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा क्या बदलेगा बस बेटा, लिमिट चेंज हो जाएगी, कितना आ जाएगी लिमिट? जीरो से, जीरो से टी बाई टू। चलो जैसे ही मैं जीरो से टू बाई टी बाई टू करूंगा आंसर क्या मिल जाएगा बेटा मुझे? मैं सारा प्रोसेस नहीं करने वाला हूं, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिखूंगा? टी बाई टू, वेरी गुड। प्लस आई नॉट कॉस जीरो अपॉन ओमेगा, और ये भी डिवाइडेड बाई ओमेगा अपॉन टी। ये कहां से है बेटा, कोई बता सकता है? सर वही वाला फॉर्मूला है, चार्ज वाला। हाँ वही वाला है, ठीक है, कोई ये मत जीरो नहीं रखा है आपने, जीरो नहीं रखा है, सॉरी सर, ठीक है रखा है बेटा, ये देखो यहाँ देखो वन वन ले लिया ना उसके पहले, हाँ वन ले लिया, बस वही बात है, बस इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। हाँ हाँ बेटा इंटीग्रेशन किया अभी, ये देखो ये वाला जो स्टेप था ना, मैं बोला बार बार क्यों लिखूंगा, आपका भी टाइम बचे मेरा भी टाइम बचे, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन की जगह ये लिख दिया, क्योंकि फुल के लिए तो मैंने निकाल ही दिया। अब यहां से अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करने जाओगे, यानी कि आपको थोड़ा डर थोड़ा खुशी मिलेगा। अमन हो जा, अमित हो जा, हाँ बेटा बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। राधे 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 राधे। सर मैं कह रहा था आपने क्या कराया, अभी तो बेटा बहुत आगे निकल गए हम लोग। सर मैं वर्कशॉप अटेंड कर रहा था, लेट हो गया। अच्छा कोई नहीं, रुक जाओ रिवाइज कराऊंगा ना तब आपको बता देता हूँ कैसे कैसे कौन कौन सा है, ठीक है? ठीक है सर। सर लाइट नहीं है क्या? हाँ अभी आई, अभी गई, अभी पीक वैल्यू कितनी हो गई बेटा मेरी लाइट की? अभी वैल्यू कितनी है मेरी लाइट की? जीरो सर। अभी यहाँ पे वैल्यू है ना, आएगी तो पीक वैल्यू पे आएगी, फिर कम ज्यादा होके खत्म हो जाएगी। समझ पा रहे इस चीज को? मैं अभी फोन करके बोला है मैंने कि आज क्लास ले रहा हूँ मैं, आज बिल्कुल यही टॉपिक पढ़ाना है मेरे को। ऐसी लाइट काटो आपको, ठीक है। अब जैसे ही करंट आएगी वैल्यू कौन सी मिलेगी मेरे को, कौन सी वैल्यू मिलेगी बेटा करंट आएगी तो? पीक वैल्यू मिलेगी मुझे। अच्छा मेरे करंट जाने के जस्ट थोड़ी देर पहले बेटा मेरी क्या वैल्यू रही होगी? करंट जाने के जस्ट थोड़ी देर पहले, करंट जाने के थोड़े देर पहले तो पीक ही रही, लोअर पीक वैल्यू रही होगी या हायर पीक वैल्यू रही होगी? लोअर, लोअर पीक वैल्यू। चले गई तो करंट की वैल्यू कितनी है बेटा अभी हमारे पास? जीरो, जीरो। शाबाश, यो बात, ठीक है। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा, ये अरे सॉरी, ये मैंने कैसे लिखा, किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो बेटा। दिस इक्वेशन हाउ आई रोट, जो नए आए वो छोड़ दे, बाकी जिनको डाउट है वो बता दे। ये मैंने क्या किया बेटा, बहुत बड़ा इक्वेशन मैंने यहाँ पे लगाया, तुम नहीं समझ पाओगे, या समझ गए तुम लोग क्या किया मैंने? सर समझ गए, समझ गए, चलो ठीक है। चलो इसमें डाउट बेटा हाफ लाइफ और फुल लाइफ में किसी को भी क्वेश्चन करें इस पे? अब ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा से, ओमेगा की वैल्यू ये भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना।
टू बाई टी डिवाइडेड बाई टी हो जाता है, ठीक है, टी ऊपर चला जाता है इसमें ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि कंप्लीट के लिए क्या था, टू पाई बाई टी होल डिवाइडेड बाई टू, आधे के लिए आप ऐसे निकालोगे ना, तो ये टू ऊपर चला जाएगा, तो ठीक। 4π बाई टी है। हाँ वैसे भी ले सकते हो, और नहीं आप बोलोगे तो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, टू सर पाई एक बाई, बार वो ग्रीन बॉक्स दिखा दो। ये लो बेटा टू पाई बाई टू ले लेना, ठीक है, क्योंकि टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, टू हो गई। क्या दिखा दूँ, ग्रीन बॉक्स ग्रीन बॉक्स ये ले लो बेटा, है। चलो एक बच्ची ने पूछा भी है तो मैं सबके लिए बता देता हूँ यार, सबको इसमें कंफ्यूजन होगा। फर्स्ट केस में हमने लिया था ओमेगा की वैल्यू टू पाई बाई टी, फॉर टी इज इक्वल टू हाफ, हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, टू पाई बाई टू आ जाएगी। सर ये कैसे आया बेटा, कुछ नहीं देखो हमने आधे टाइम के लिए लिया, हाँ सर, इंटू पाई, इंटू पाई तो कितना हो गया, टू पाई, सॉरी यही हो जाएगा। किसी को डाउट है बेटा कैसे मैंने टी की वैल्यू हाफ ली, क्योंकि हाफ लाइफ है इसके लिए मैंने लिया, तो हमारे पास ओमेगा के लिए फॉर्मूला था ऑलरेडी। नहीं समझ में आया तो बोलो फिर समझा देता हूँ, सर, 5/T हो जाएगा फिर। फाइव रुक और जाओ, टी कैसे होगा? ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा, टू पाई बाई टी, यस एट टी इज इक्वल टू 1/2 पे अगर मैं बात करूं, टी की वैल्यू हम ले रहे हैं 1/2, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, 4π, सर ऊपर चल रहा है, 4π हो जाएगा। 4π/T हो 4π/t, चलो ठीक है, मतलब कर लोगे ना, सॉरी यार टू से डिवाइड करना है बस बेटा, इतना कर लोगे, वी शैल नॉट वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ू, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ू, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, कुछ बोलते हैं आरएमएस जैसी कुछ चीज होती है, कुछ बोलते हैं मीन वैल्यू जैसी कोई चीज होती है, भाई साहब मेरे को इतना कुछ समझ आता नहीं है, मेरे को बेसिक चीजें समझ में आती है, तो मैं बेसिक के साथ ही बढ़ना चाहूंगा। एक और चीजें होती है आरएमएस वैल्यू, जिसको जनरली दुनिया बोलती है कि ये होता है आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक। मैं नहीं चाहता कि आप इसके बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएं, क्योंकि क्यों क्यों सर आप क्यों नहीं चाहते हो यार, आउटडेटेड इंजीनियरिंग मत करो, रूट मीन स्क्वायर वगैरह कैलकुलेट करना मेरे को एज सच टाइम वेस्ट लगता है, मैं डायरेक्ट इसको क्वेश्चन से समझाना पसंद करूंगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को। सर इसका एप्लीकेशन नहीं है क्या सर इंजीनियरिंग में, है बेटा इलेक्ट्रिकल में बहुत ज्यादा है, ये मैं नहीं बोलूंगा कि एप्लीकेशन नहीं है, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता हूँ बस इस टॉपिक के, द रीजन इज मैंने आपको सारी चीजें बता दी, अब बताओ कितना वैल्यू है बेटा मेरे करेंट का टाइम के साथ अभी। पीक पे पीक हाँ पीक पे है कि पीक पे नहीं है, जल्दी बताओ, पीक है पीक पे, चलो ठीक है। सुनो आई आर एम एस की वैल्यू मैं सीधा फॉर्मूला बताऊंगा, वही इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेशन है, आई नॉट इनटू, बहुत बड़ा है इसका इसलिए मैं इसको लिखवाता नहीं फालतू का, ये होता है हाफ टी, भैया सुनते जाना बस कार्यक्रम शुरू हो रहा है, टी बाई टू पाई लिख देता हूँ, या बी पाई, नहीं रुक जाओ ऐसे लिखूंगा तो आधे पलटी हो जाएंगे, सर ये क्या है, आई आर एम एस होता है बेटा, सर इसके पहले आपने क्या बताया था, ठीक है बेटा अभी बता देता हूँ, मैं लीव हो गई थी, ठीक है एक मिनट बेटा, इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन जीरो टू टी, ठीक, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन 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 जीरो टू टी डी टी, इतना बड़ा इंटीग्रेशन जो हमने अभी तक नहीं किया, ये नहीं किया है क्या हमने ऐसा कुछ, क्या किया है नहीं किया है, किया आप लोग बताओ, इस तरह एक इंटीग्रेशन किया है सर, किया किया है बेटा हमने ऐसा इंटीग्रेशन किया है, ठीक है तो इसको इसीलिए मैं नहीं कराता हूँ, किया है चलो किया है, हाँ सुमेश बेटा ठीक। अब सुनो अब आपसे कभी वैल्यू पूछी जा सकती है, कभी वैल्यू आपसे आई आर एम एस की पूछी जा सकती है, जो वैल्यू पूछी जाएगी मैं उसी पे डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, आई आर एम एस की एक वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है ओमेगा अपॉन टू पाई पे या टू पाई बाई टी पे, तो जब भी आपसे आई आर एम एस की वैल्यू पूछी जाए ओमेगा टू पाई अपॉन टी पे आप कुछ मत करना, आप बस ये याद रख लेना आई आर एम एस होता है आई नॉट होल ब्रैकेट हाफ टी अपॉन में टी, सॉर ये कहां से आ गया बेटा, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो आ जाएगा, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी आई नॉट अपॉन रूट टू, यही होती है आई आर एम एस की वैल्यू। सर ये सर समझ नहीं आया कहां से है बेटा, इसको सॉल्व करोगे ना आप, इसको सॉल्व करोगे
इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू में जैसा मैंने ऊपर रखा था, ये देखा था आप लोगों ने, यहाँ पे वैल्यू रखी मैंने ओमेगा की, ऐसे आप इसमें वैल्यू रख लोगे, खाली देख देख के करना है। रख लोगे? अरे हेलो हाय कुछ तो बोल, ठीक है। इसी तरह ई आर एम एस होता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी कोई जानता है? इतने ठीक है, बहुत साइंस लगा के इसमें बहुत ज्यादा कुछ रिप्लेस कर दिया इसमें। हाँ रिप्लेस कर दिया आई नोट इधर आई नोट बस बस। तो ये आरएमएस 11th में भी था क्या? नहीं 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 11th ये तो 12th में आता है बेटा। इसमें आप कर क्या रहे हो बताऊं मैं आपको? रूट मीन स्क्वायर आप क्या निकालोगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बेटा, वो वीआरएमएस था कि किस रफ्तार से जो है गैस के मॉलिक्यूल जो है कोलाइड कर रहे हैं बेटा, वो वीआरएमएस था वो। आगे चलें, सुनो अब सर ये सब तो ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं कि सपोज जेड इज इक्वल टू, या हाँ मजा आएगा, जेड नॉट साइन ओमेगा टी, Z not sin omega t, इसकी RMS value बताएं, कैसे बताओगे? Z not upon root 2. Z not by root 2. Yes, बस बेटा, अगर आप मेरे से पढ़े हो तो यही बोलोगे, ठीक है। अन्यथा अन्यथा आप इसमें लगोगे पूरा इंटीग्रेशन करने, ये बात आपको याद रहेगी, जो भी वैल्यू दी जाए उसका अपॉन रूट टू लिख दो, ठीक है। yes, हर जगह एप्लीकेबल है क्या? अभी बता देता हूँ बेटा कैसे इसको और जगह अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपसे एक इक्वेशन पूछ लिया, Z is equal to Z naught plus Z naught sin omega t। अब इसके लिए RMS वैल्यू बताओ बेटा कितनी आएगी? सर हिला डाले, सर आप हिला डाले, कोई आइडिया किसी को? सर हाँ बेटा इसकी वैल्यू कैसे आप निकालोगे? आप बोलोगे z is equal to z naught plus z naught sin omega t का होल स्क्वायर। अभी मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा जो बन सकता है, फिर आप इसको क्या बोलोगे, z naught का स्क्वायर प्लस z naught स्क्वायर sin स्क्वायर omega t प्लस 2 z naught into z naught sin omega t। ये मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने इसको a plus b of the whole square पे तोड़ा है बस, which is nothing but a square plus b square plus 2ab। दिख रहा है कि आपको ये चीज बेटा यहाँ पे? Yes sir। सर आपने इसको तोड़ तो दिया सर, लेकिन आंसर यही है क्या? नहीं बेटा, आंसर अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, z naught का स्क्वायर प्लस z naught sin स्क्वायर ओमेगा t 1/2 + 0। सर 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 ये कैसे किया सर आपने, ये समझ नहीं आया। सुनो बेटा सुनो सुनो, एक ट्रिक बताता हूं, जब भी आपसे पूछा जाए साइन ओमेगा टी की वैल्यू ये होती है 0 √2। हाँ अभी बता देता हूँ, वही समझा रहा हूँ बेटा बच्चों को, ठीक है, साइन ओमेगा टी। और जब भी आपसे पूछा जाए कॉस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू भी होती है 0। जब भी आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू होती है हाफ। जब भी आपसे पूछा जाए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू होती है हाफ। सर ये है क्या, सर ये आप क्या बता रहे हो सर, साइन ये क्या है? बेटा दिस इज द एवरेज वैल्यू। अच्छा सर, तो इसको प्रूफ नहीं कराओगे? बेटा आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, वो लोग जेई के लिए अपियर होने लगेंगे अगर सारी चीजें मैं प्रूफ कराने चल जाऊं तो, ठीक है। इतना मिनिमम टाइम लग जाएगा, साइन स्क्वायर कहाँ से आया, वहां से जाना पड़ेगा और फिर वापस आना पड़ेगा, ठीक सर? आपने सिर्फ इसकी वैल्यू का स्क्वायर किया है। हाँ, बस यही मैंने कर, स्क्वायरिंग तो दोनों साइड होनी चाहिए ना सर? दोनों साइड करोगे कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जेड स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो तो रुक जाओ बेटा, दोनों साइड ही कर देते हैं, ये लो, अरे सॉरी जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। बस जिसको ये चीज याद हो गई, द वन हु रिमेम्बर दिस, वो सारा क्वेश्चन कर जाएगा एवरेज वैल्यू का।
अभी और क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहां से, कितनी आएगी बेटा इसकी वैल्यू? जेड नॉट स्क्वायर। चलो अब बच्ची ने बोला सर दोनों तरफ तो आपने स्क्वायर कर दिया, तो z की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? एक और सवाल करें मजेदार। यस सर। मेरे पास एक इक्वेशन है करंट की, आई हैव अ इक्वेशन ऑफ करंट विच गोज लाइक दिस, z इज इक्वल टू z1 sin ओमेगा t प्लस z2, क्या कर दूं अब मैं जिससे तुम लोगों को मजा आ जाए, cos ओमेगा t। अब सुनो, स्टेप वन स्क्वायर बोथ साइड, स्टेप वन स्क्वायर बोथ साइड, दो मिनट का टाइम दूंगा बेटा। स्टेप टू a प्लस बी ऑफ द होल स्क्वायर अप्लाई करो। स्टेप थ्री चेक द वैल्यू फ्रॉम शॉर्टकट, जल्दी बताओ बेटा, चेक द वैल्यू फ्रॉम शॉर्टकट। चलो शुरू हो जाओ, 7:39 हो रहा है, एग्जैक्ट 7:41, दो मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। 7:41 भी क्या, मैं तो 7:40 में ही मेरे अंदर का पेशेंस खत्म होने लगेगा एक मिनट। आपको इससे ज्यादा वेरिएशन वाले सवाल नहीं आएंगे, सो देयर इज नो नीड बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना। z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय होल पावर 1/2, सही है बेटा, वेरी गुड। सर हाँ बेटा कितना आया सर? अभी वैल्यू नहीं सर मुझे ना। हाँ हाँ बोलो 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 पहले सर। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर बाय 2 की पावर 1/2, सही है बेटा, वेरी गुड। हाँ अमित बेटा अब आप बताओ। हेलो हेलो सर। हाँ। मैं कह रहा था कि जैसे हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो आई गेस एग्जाम्स जो हैं हमारे 22 तारीख से स्टार्ट हैं, 22 अगस्त 22 सितंबर। हाँ। तो सर हम हर रोज सर एक एक वो कर सकते हैं क्या वीडियो लेक्चर, जैसे एक चैप्टर है कोई भी इलेक्ट्रोस्टैट, तो एक दिन में हमने पूरा उसका ना एकदम सॉलिड रिवीजन कर लिया अगले दिन? आपको रिवीजन कराया जाएगा बेटा, उसके लिए आप बेफिक्र रहो, आपको रिवीजन कराया जाएगा। तो सर अभी 9-10 दिन ही है और चैप्टर 9 चैप्टर आ रहे हैं, तो हर दिन एक एक चैप्टर भी करेंगे तो अभी 9 दिन है। नहीं नहीं आप घबराओ मत, घबराओ ठीक है सर। अभी आप टेंशन फ्री रहो, अभी ये वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो, इसके बाद कितना चैप्टर बच जाएगा अगर एसी हो गया तो? एक बचेगा बस, रे ऑप्टिक्स बताया था मैं ये बात मानूंगा, ईएम वेव्स का मुझे नहीं पता था। टेंशन मत लो, मार्क्स से कुछ नहीं होता। चलो सुनो बेटा पहले इसको कर लेते हैं। वही मैंने बोला कि दो दो चैप्टर रह रहे हैं तो हर रोज रिवीजन करते हैं, एक घंटे में हो जाएगा पूरा? नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, उस पे तो हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, इसके बाद रुक जाना सब दो मिनट के लिए अगर टाइम रहेगा तो, नहीं तो ओके सर ठीक है कल तो मिलेंगे हम। देखो पहले इसको कर लेते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे टूटेगा बेटा, जेड वन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ए स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t b स्क्वायर प्लस 2 z1 sin ओमेगा t into z2 cos ओमेगा t। अच्छा sin ओमेगा t कितना बोला मैंने क्या होगा? 0। cos स्क्वायर ओमेगा t कितना होगा बेटा, क्या बताया मैंने? हाफ। ये भी मैंने क्या बताया? हाफ हो जाएगा। ठीक है ठीक है, कल तो क्लास है ना बेटा, तो ये हो जाएगा z1 स्क्वायर बाय 2 प्लस z2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 0, सब मिला के यही बच रहे हैं। अच्छा इस तरफ भी z स्क्वायर है, एक बच्ची ने बोला ही था शुरू से, तो ये कितना हो जाएगा z1 स्क्वायर बाय 2 सॉरी चलो z1 स्क्वायर बाय 2
प्लस जेड टू स्क्वायर बाय टू। अब यहां से बेटा आप जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो अंडर रूट। यस सर। जेड वन स्क्वायर बाय टू, आई थिंक यहां से यही आया था सबका आंसर। यस सर, यही आया होगा। ठीक है, अब इस पे कोई और खास क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, मैं जैसे एक एग्जांपल दे के बनाना चाहूं तो आप बोलोगे कि सर घुमा के तो आपने वही क्वेश्चन ही बना दिया। मान लो अब मेरे मन में सवाल आया z इज इक्वल टू z1 sin ओमेगा t माइनस z2 cos ओमेगा t, आप इसको कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ। बेटा अब आप बोलोगे सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। हाँ जी बताओ सर, अगर मान लो z इज इक्वल टू z1 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय z2 cos ओमेगा t, सर ऐसा सवाल आ गया तो क्या करेंगे? अरे भाई z1 by z2 किनारे ले लो, क्या आ गया? tan ओमेगा t। कर लोगे इसको भी? यस सर। और इसको छोड़ के कोई पॉसिबिलिटी अगर बना के ले आएगा तो ला देना, मोस्ट वेलकम। इसके बाद बेटा कोई इसमें पॉसिबिलिटी बनती नहीं है कि मैं तुम लोग करा दूं। tan ओमेगा की वैल्यू का भी तो कोई शॉर्टकट मतलब ना? नहीं नहीं नहीं, टैन का नहीं होगा बेटा, टैन का वो फिर जीरो ही होगा ना, इंटीग्रेट ही करना साइन बाय कॉस ही तो है। एक बार जेई का ये सवाल है बेटा, टैन एक्स इनटू रूट कॉट एक्स डी एक्स। सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन देते हैं जेई वाले, यू डॉट वी और एनसीईआरटी। एक बार बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा था अंडर रूट टैन टी डी टी का इंटीग्रेट करके बताओ, कोई ये दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकता है क्या? मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, यू डॉट वी dx, इसका एक फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u डैश v dx का होल dx। इस इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन। हाँ बेटा, ये मैथ्स में कर रखा है। हाँ ये मैथ्स में, नीट वाले मत देखें, आंख बंद कर ले थोड़ी देर के लिए, जेई वाले समझ रहे हैं हम क्या पूछ रहे हैं। बेटा ये दोनों क्वेश्चन करने में बैंड बच जाती है। ठीक है चलो चलो आगे चलते हैं बेटा, अगला टॉपिक सर्किट बैटरी। यहीं से जेई को सवाल पूछने में इच्छा बहुत ज्यादा होती है कि सर्किट बैटरी से सवाल हम बना सकते हैं, और जेई यहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछना पसंद करता है। इसमें पहला टॉपिक आता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सर इसका मतलब क्या है? सर प्योर रेजिस्टेंस क्या होता है? सर जिसमें सिर्फ रेजिस्टर लगाओ और इंडक्टर, मतलब वेरी गुड, रेजिस्टर और इंडक्टर। ठीक है मैं इसको बना भी देता हूं आपके सुविधा के लिए। ठीक है, ऐसा कोई सर्किट है हमारे पास और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक ठोक बहुत ही जबरदस्त इक्विपमेंट। ऐसा इक्विपमेंट देखा है किसी ने? यस सर देखा। यस सर। अब इसकी वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है आर। अब अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछ ले आई की वैल्यू तो क्या आई की वैल्यू आप ई बाई आर बताओगे इसको? Yes, sir. सर ये कहां से आया? सर हमें ये नहीं समझ में आया। बेटा आपने एक इक्वेशन पढ़ा था v is equal to ir, यहां से अगर आपसे i की वैल्यू कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? v by r and this v is now replaced by e which is emf, आप इस बात को जानते हो, तो इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। आप इस बात को पचा पाओगे ना? जल्दी बताओ। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे सर ये तो सर मजाक है, ये क्या है? अब देखो बेटा अगर मैं आपसे पूछ लू एवरेज, या एवरेज भी ना पूछ के आई नॉट की वैल्यू पूछ लू तो आप क्या बोलोगे? ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। अच्छा ई नॉट बाई आर को और क्या लिख सकते हो आप? आई नॉट। चलो तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी को डाउट आया बेटा इसमें कैसे मैंने जादू किया? नो सर। लेकिन 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 ये नहीं पूछेगा जेई। ठीक है जेई पूछेगा, सब कुछ छोड़ो मुझे आप बताओ फेज डिफरेंस कितना आया? सर फेज डिफरेंस सर 11th में पढ़े थे अब उतना याद नहीं है। 90 डिग्री। सुनो बेटा इसका फॉर्मूला होता है फेज ऑफ एंगल, एंगल जानते हो, या मैं ऐसे बोल दूं फेज एंगल ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो नहीं है पोटेंशियल है, माइनस और क्या आता है फेज एंगल ऑफ आई नॉट आई करंट। ये याद रहेगा बेटा सबको फॉर्मूला फेज डिफरेंस का।
अप्लाई कैसे करना है वो तो मैं सिखा दूंगा, अभी फेजर डायग्राम भी बताऊंगा आपको, बट ये याद रहेगा क्या? यस सर, ठीक है सर ये याद रहेगा। लेकिन सर अब आप ये बताओ कि हम कैसे चेक करेंगे। जी बेटा सर वो आई नॉट होगा या आई, ये बेसिकली आई होगा बेटा, ऊपर वाले फेज एंगल ऑफ आई बेटा, ये होगा ई नॉट और ये होगा आई, दोनों के बीच में देखा जाता है जीरो। वेरी गुड बेटा, अब जीरो कैसे होगा मैं सब समझाता हूँ आपको, ठीक है। 90 नहीं होगा बेटा, जीरो होगा, मैं समझा देता हूँ, कोई नहीं। देखो देखो बेटा मैं समझाता हूँ आपको, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक इक्वेशन है हमारे पास। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि वाई इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा इंटू सम वेरिएबल टी, या फिर मैं बोल देता हूं साइन थीटा, इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, वाई की वैल्यू, वो लीड और लैग वाले की वजह से। अच्छा अच्छा नहीं वो सब नहीं सोचना है बेटा, वो तो यार वो नहीं, लीड लैग नहीं सोचा जाता है। सुनो हम वाई की वैल्यू चेक करते हैं बेटा कैसे, अगर मैं बोल दूं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप वाई की वैल्यू चेक कर रहे हो कहां पे, एंगल पे, यही है इसका मतलब। Yes, इसी sir. को मैथ्स वालों ने बोला y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। इसी को मैथ्स वालों ने बोला y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। वो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो बिल्कुल इजी चीज है। अब यहां पे अगर मैं पूछूं i और ओमेगा t के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे, सर जैसे y और थीटा के बीच था, यहां पे मुझे इसका तो ओमेगा t पक्का है, i और इसके बीच में कितना दिख रहा है आपको एंगल, कितना एंगल दिख रहा है देख के बताओ, कितना एंगल दिख रहा है, इतना ही तो दिख रहा है। सर समझ नहीं आया सर ये वाला कैसे कि आप एक बार फिर बताइए। सुनो बेटा अगर आप बोल रहे हो y इज इक्वल टू x साइन थीटा, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि y का एंगल कितना बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर थीटा बन रहा है, ठीक है। y का एंगल कितना बन रहा है, सर थीटा बन रहा है। इसी तरह i का कितना बन रहा है बेटा इसके साथ, आप बताओ, ओमेगा टी। अच्छा ये ओमेगा टी सर आपने कैसे लिखा बेटा, ये तो गिवन था ना इक्वेशन में, ओके गॉट इट। अच्छा एक गिवन होता है सर, एक देख के बताना होता है। हाँ बेटा एक और इक्वेशन अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसी माध्यम से। मान लो ऐसा इक्वेशन है आई नॉट साइन ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स इंटू टी। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना का है, What is the phase difference? Phi से represent करते हैं इसको, या मान लो phase difference ऐसे ही रहने देते हैं। कितना है यहाँ पे? Now you tell me. इसमें भी omega t को minus कर देंगे power x पे। कितना आएगा इस equation में? जैसा मैंने किया वैसे कर लोगे? Yes, omega t minus e square बटे log x multiply t. Yes. Multiply बस यही करना है यार। क्या था इसमें? बहुत tough लगा तो बोलो फिर समझाता हूँ। आपके पास इसी से उठा के कंपेयर कर दो कोई भी इक्वेशन आए, ठीक है सर रिपीट कर दिया। जी बेटा आपके पास ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन था और मैंने एक इक्वेशन दे दिया, मान लो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ई टू द पावर एक्स इंटू टी। नाउ मैं आपसे पूछू फेज डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे, ओमेगा टी माइनस पावर एक्स इनटू टी, ये बोलोगे। और ये आप क्या बता रहे हो, ये आप ये बता रहे हो कि सर पहले इसका वैल्यू जो था ना वो ओमेगा टी था, अब इसकी वैल्यू ई टू द पावर एक्स टाइम्स टी के बराबर आ गई है बस, ठीक ठीक है क्या। चलो आगे चले सेकंड पार्ट की तरफ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, चारों ओर सन्नाटा। यस सर Yes, सर डर गए हैं सर, ये सब क्या आ गया है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, 20 तारीख से पेपर है ना इसलिए सबको झटका लगा हुआ है यार। तो इतना गम में कौन डूबता है यार, तुम एकदम डूबते जा रहे हो इस गम में, ठीक है तुमने दरिया बना दिया है। सुनो अब ठीक है, चलो इतना गम में नहीं जाते बेटा, पेपर होते सर होते वैसे है। आप है ना मैं कमेंट्री के लिए ट्राई कर सकते हैं
यार तुम लोग मतलब एकदम डर रहे हो, ऐसा डर रहे हो जैसे पेपर के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगा बेटा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक, ये क्या यार पेपर वेपर होते रहता है। चलो ई नॉट, तुम लोग बोलोगे सर बोलना आसान है, बेटा बहुत पेपर दे लिए जिंदगी में, तभी कमेंट कमेंट कर रहे हैं कि यार ऐसा होता है। ठीक है सर, गर्ल्स एग्जाम का बहुत टेंशन लेती है। हाँ बेटा, बॉयज का हिस्सा का भी सब गर्ल्स ही ले जाती टेंशन, ठीक है, इसलिए तुम लोग कूल हो जाते हो आराम से। ठीक है, थोड़ा टेंशन होना चाहिए, अगर आपको टेंशन है तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो। सर टीचर का धमकी भी तो होता है, कोई बात नहीं बेटा, जब कुछ ना समझ में आए तो हाथ जोड़ जाए और बोले सॉरी मैम या सॉरी सर, दोबारा हम बहुत अच्छा करेंगे। ये ब्रह्मास्त्र तो है ही आपके पास, यूज करो, कहाँ रखोगे इसको, बारहवीं में आ गए। कितनी अच्छी बात है, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है सर, पढ़ाएंगे बेटा कुछ नहीं, छुट्टी होने के बाद थोड़ी देर और बैठा देंगे आपको, यही चलो सर। तो पढ़ाना नहीं, टॉर्चर कहते हैं। नहीं 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 बेटा, आप प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे टीचर, आप गलत माध्यम में लेके जा रहे हो इसको, सुनो। ठीक है चलो, यहाँ पे है एप्सिलॉन, सॉरी ईएमएफ, और यहाँ पे है टाइम, इसका ग्राफ है बेटा। ठीक है, अब ये धीरे धीरे अगर आप देखो, धीरे धीरे अगर आप देखो, ठीक है चलो, धीरे धीरे आप अगर देखो, चलो सुनो, धीरे धीरे आप अगर आप देखो तो ये धीरे धीरे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, दिख रहा है क्या आपको? सॉरी आई नोट ले देता हूँ इसको। यस सर। अरे भाई रबर आगे, चलो ये मूव कर रहा है आई नोट का ग्राफ। अरे भाई साहब 755 पे भी कोई ज्वाइन किया है? ओके चलो, देखो बेटा अब ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे मूव कर रहा है बेटा। ये मूव करेगा तो किस तरह का डायग्राम बनाएगा कोई सोच सकता है अपने दिमाग में? मैंने बता दिया बहुत बार ऑलरेडी, सर्कल सर्कल बनाएगा। अच्छा, इसका वेव डायग्राम कैसा बनेगा? साइनोसोइडल वेव। वेरी गुड बेटा, साइनोसोइडल वेव बनेगा। कितने लोगों को नहीं पता है साइनोसोइडल वेव क्यों बनेगा ये बता दो। कौन है भाई? चलो एक ही बच्ची को नहीं पता है। हाँ सृष्टि बेटा बोलो। चलो एक ही बच्ची को, बाकी सबको पता है। अर्चना कुमारी कहाँ थे बेटा आप लोग जब मैं बता रहा था? तो कैसे बनेगा बता देता हूँ। ठीक, अब देखो बेटा, इस एक्सिस को मान लो मैंने माना आई नॉट, ये एक्सिस को माना मैंने टी, और यहाँ पे एक वैल्यू है मेरे पास ई नॉट, यहाँ पे एक वैल्यू मेरे पास E नॉट। क्या होगा बेटा अगर मैं इसके पैरेलली एक और एक्सिस ड्रॉ करूं? सपोज आई ड्रॉ वन मोर एक्सिस, ये भी I नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं इसका मोशन को ट्रेस करना चाहता हूं, मतलब चेक करना चाहता हूं कि इसका मोशन कैसा होगा। तो क्या होगा, एक वैल्यू बेटा मेरे को यहां मिली, सोच के देखो। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये चलना कहां से शुरू किया होगा? जीरो से। ठीक है, मैं मानता हूं यहां से चलना शुरू किया होगा, तो यहां पे होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा बेटा ये, तो कहाँ पे वैल्यू मिलेगी हम लोग को अगर मैं इसका वैल्यू ट्रेस करूं तो? इससे थोड़ा सा आगे मिलेगा बेटा। सर थोड़ा सा आगे क्यों बेटा? ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है ये कहाँ बनाओगे? ये वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस, इसको तो यहाँ बनाना पड़ेगा ऐसे। ये बात समझने में दिक्कत तो बताओ। सर समझ नहीं आया, कोई नहीं बेटा मैं फिर बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो इतना चलेगा, उसको आप यहाँ पे तो बनाओगे ना इतना दूर ग्राफ में, यस और नो ये बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Yes, sir. ये क्लियर है। ठीक है, अब देखो बेटा थर्ड पॉइंट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो थर्ड पॉइंट में मुझे क्या पता चलेगा? इसका वैल्यू अगर मैं ट्रेस करूं तो इससे थोड़ा सा आगे मिलेगा बेटा मेरे को। Yes, sir. हाँ सर। सर फोर्थ पॉइंट में फिर सर इसमें, या इसमें बता देता हूँ, रुक जाओ, इसमें बेटा और थोड़ा सा आगे मिलेगा, इससे भी थोड़ा आगे, यानी कि इतना। ठीक, हाँ सर। बेटा फिफ्थ पॉइंट पे अगर हम बात करें, यानी कि यहाँ पे, तो कहां पे मिलेगा मुझे? थोड़ा सा और आगे मिलेगा। हाँ सर। आप सर ग्राफ ट्रेस कर रहे हो क्या? हाँ बेटा ट्रेस कर रहा हूं मैं। इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे बात करूं, स्ट्रेट लाइन है, तो ये वैल्यू मुझे यहां पे कहीं पे ले जाएगी, इसके थोड़े से ऊपर, या मान लो आई थिंक क्लियर होगा। अब जब ये घूम के बेटा ई नॉट यहां जाएगा, अगर ये ई नॉट घूम के यहां, हाँ बता दिया था बेटा, बच्चों को डाउट था इसलिए दोबारा बता रहा हूं।
तो ये घूम के मुझे यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, फिर ये वैल्यू यहां जाएगी बेटा तो मुझे घूम के कहां मिलेगी, यहां पे कहीं पे, दिख रहा है आपको? यस सर। अब मैं काम करता हूं, अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रेस करता हूं, क्योंकि सारे वैल्यूज बनाऊंगा बेटा तो क्लास बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक, सारे वैल्यूज को अब मैं ट्रेस करता हूं एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट मिलता है हमें। सो व्हेन वी ट्रेस ऑल द वैल्यूज वी आर गोइंग टू गेट अ कर्व लाइक दिस, दिख रहा है आपको? हमें कर्व मिलेगा बेटा कुछ ऐसे, दिखा? यस सर। दिखा क्या सबको? अब सुन, अब नीचे वाले सेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब ये ग्राफ घूम के नीचे आ जाएगा, तो यही पॉइंट मुझे यहां पे दिख रहा होगा। ठीक, सिमिलरली ये पॉइंट मुझे कहां दिख रहा होगा, इसके थोड़े से दूरी पे, यहां पे। ठीक है क्या बेटा? अब आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे कैसे इसको ट्रेस किया जाता है, नहीं समझे तो बताओ फिर समझा देता हूं। नहीं समझे, अब समझ गए? समझ गए सर। समझ गए, ठीक है। अब सुनो, इसका एक पार्ट मैंने बस ड्रॉ किया है बेटा कि ये इस तरफ घूम रहा है, तो इसका जो लेंथ होगा ना, दिस लेंथ, ये वाली लेंथ, ये लेंथ को हम क्या बोलेंगे, ये होगी आपकी पीक वैल्यू, इसी को हम पीक वैल्यू बोलेंगे, जो लेंथ होगी इसकी। सर ये क्या है, थंब रूल है बेटा, बस ये मान लो कि इसको हम मानते हैं कि हम इसकी लेंथ को पीक वैल्यू बोलते हैं, इसको फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैंने बनाया है ना, यही है फेजर डायग्राम, यही है, इसी को फेजर डायग्राम बोलते हैं, कि हर फेज पे आप चेक कर रहे हो कि इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। एवरी फेज यू आर चेकिंग हाउ द ग्राफ इज बीइंग प्रिपेयर्ड, हाउ ग्राफ इज बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, हर फेज पे आप चेक कर रहे हो कैसे ग्राफ बन रहा है। डाउट है बेटा किसी तरह का? नो सर। मैं इंडक्टेंस के तरफ धीरे से बढ़ूं क्या? हाँ हाँ, बोल दो यार। चलो, दूसरा केस इसमें बनता है प्योर इंडक्टेंस का, प्योर इंडक्टेंस सर्किट। ठीक है, प्योर इंडक्टेंस सर्किट, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि प्योर इंडक्टेंस सर्किट क्या होगा, तो दिखाता हूं। सबसे पहले सिंबल कैसा बनता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया बट स्टिल ऐसा बनता है बेटा इसका सिंबल, ऐसा। हाँ सर। यस सर। चलो अब एक और पॉइंट मैं इसमें जोड़ देता हूं। ठीक है, अब देखो बेटा तो बहुत ध्यान से, इसको हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से करते हैं, आपको याद हो तो मैंने बताया भी था इस बात को, और वहां पे मैंने क्या बताई थी, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू माइनस एल डी आई अपॉन डीटी। याद है एक जगह हम नोडल एनालिसिस लगा रहे थे थोड़े दिन पहले, उस टाइम पे मैंने बोला था कि अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा, और इसका मॉडुलस लेते ही ये क्या बन जाएगा, एल डी आई बाई डीटी। ठीक सर, ये क्यों लिया आपने, मैं बताऊंगा बेटा, इसकी वैल्यू पहले आप रख दो, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, बेटा साइन की कौन सी वैल्यू माइनस वन होती है, साइन 180 या 270? 270 कितनी होती है, 270 होती है। चलो कोई नहीं, देखो बेटा अब मैं आपको बताता हूं, साइन ओमेगा टी से अगर मैं डीटी मल्टीप्लाई कर दूं, इस तरफ क्या बच जाएगा सर, डी आई बच जाएगा इस तरफ, पर इससे क्या सर, बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेट करो एक मजेदार वैल्यू मिलेगी। अच्छा तो सर एल अभी तो बचेगा, कितना बचेगा बेटा, एल एल तो बचा ही है, एल को कहां रिप्लेस करूं, इसके साथ कर देता हूं ये लो। ठीक है, एल को तो हम छोड़ आए, चलो कोई नहीं। अब ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से ई नॉट अपॉन एल, साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, होगा सर माइनस भी लो सर, चलो माइनस ले लिया। ठीक, अब सही है? यस सर। सर ये जो वैल्यू आई ये क्या आई बेटा, अब ये वैल्यू जो है ये तो आप मुझे बताओगे क्या आई, क्या आई बेटा ये, क्या ये किसी भी प्योर इंडक्टेंस में
जो करंट पास होगा जिसकी वजह से ईएम बनेगा उसी की वैल्यू है बेटा। क्या किसी भी प्योर इंडक्टेंस के केस में हम ये पता लगाए सबसे पहले ईएमएफ और करंट का रिलेशन क्या होगा? ईएमएफ और करंट का रिलेशन क्या होगा, क्या हम ये सबसे पहले पता लगाए बेटा? करंट का रिलेशन यानी कि इस इंडक्टिव कॉइल में से जितना करंट पास होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, हम इनका रेशियो फाइंड कर रहे थे सबसे पहले। हमने अभी सर, तक ये पता, हाँ बेटा बोलो। हमने यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं लगाई? लिमिट क्यों नहीं लगाई? द रीजन इज बेटा, इंडक्टेंस का वैल्यू जो है हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया था ना इन्होंने, और लिमिट हमें ओमेगा की चाहिए होती है, तो हम ऐसा मानेंगे कि एक कंप्लीट साइकिल में जितना इंडक्टेंस हो रहा है, ठीक है, वो हम एक जनरल फॉर्मूला निकालें। अगर आप बोलोगे कि सर करंट आपको कहां से कहां तक निकालना है, तो मैं बोलूंगा यार जीरो से टी तक कितना करंट फ्लो हुआ होगा, तब आप क्या करोगे कि जीरो से टी इंटीग्रेट कर दोगे इसको, ठीक है, साइन ओमेगा टी। लेकिन मैंने बोला कि आपको कि एक कंप्लीट साइकिल में निकालो, दो कंप्लीट साइकिल में निकालो, तीन कंप्लीट, ऐसा मैंने नहीं बोला। इसके लिए हम इसको नहीं यूज कर रहे, ठीक है क्या? ओके सर, ठीक है, अभी हम एक जनरल इक्वेशन डिराइव किए बेटा। जनरल इक्वेशन में किसी को किसी तरह की दिक्कत तो बताओ, किसी को किसी तरह की दिक्कत प्योर इंडक्टेंस के केस में? हेलो, नो नो सर। चलो थोड़ा सा आज रिवाइज भी ज्यादा ही कराना है, ये काफी बच्चे लेट ज्वाइन किए थे, सो कोई नहीं, रुक जाओ, एक टॉपिक और लेकिन बड़ा है। चलो ठीक है।